हेलो। हाँ जी सर, फोन आया था आपका। हाँ सर जी, गुड आफ्टरनून सर जी। मेरा नाम बबलू कुमार है और मैं ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन से बोल रहा हूँ। सर जी, एक कंप्लेन आया हुआ है आपके खिलाफ। नमस्कार ऑपरेटर साथियों, जिस आईडियो को आप लोग सुनने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ हम आपको जानकारी जरूर देना चाहते हैं। जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर का नाम अरविंद कुमार है, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले थे, जो कि गुजरात के सूरत में काज कर रहे थे लगभग 4 महीना से। और उनका घर पर शादी है और शादी के कार्ड हमको भी भेजे थे, और जो मालिक है मालिक को भी बताए थे कि भैया मेरे घर पर शादी है। शादी है उनका है 12 तारीख को। अगर किसी का भी अगर शादी हो तो वो 15 दिन पहले, 1 महीना पहले जरूर जाता है घर पर। वो इसी तरह यह भी ऑपरेटर घर जाने वाला था, लेकिन यह जिसका मालिक जो राजस्थान का रहने वाला था और उसका मशीन चलता था गुजरात में, उसका मालिक पेमेंट नहीं दे रहा था लगभग 1 हफ्ता से। आजकल बोल रहा था कि भैया कल दे देंगे, परसों दे देंगे। और ये जो ऑपरेटर है ये सोच रहे थे कि भैया हमारा मालिक पेमेंट दे देगा, लेकिन दिया नहीं। कल शाम को हमारे पास कॉल किया रात को, तो हम बोले ठीक है, हम सुबह में बात करते हैं आपके मालिक से, क्या बोलते हैं। खिलाफ इनका मालिक से कंप्लेन बात यही है, किए एक और ऑपरेटर क्या जो है बात हुआ अरविंद नाम आप लोग करके, जरूर सुनिए। वो जो आपके पास काम किया है क्रेन के रूप में, क्रेन ऑपरेटर है, जो ज्वाइनिंग डेट है उसका 5 फरवरी, उसका पेमेंट बकाया है आप हमारे कहाँ से पास। बोल रहे हैं सर? हम पटना से बोल रहे हैं। पटना से बोल रहे हैं? मतलब मैं समझा नहीं, आप हैं कौन, कहाँ नहीं, से हम बोल लोग रहे का हैं सर? संस्था है जो ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन है, ठीक तो है। सर हमारी भी कंप्लेन सुनो ना सर, कि हम तो आदमी, हमारे आपका आपका ऑपरेटर जी बीच रोड पे बूम गिरा के बैठ जाए और जिद करके बैठ जाए कि मेरे को तो आज ही पैसा चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा ये नहीं बताओ। नहीं जीत उसका शादी है ना, वो तो आपको तो 4 महीना शादी है तो पहले। सर, जी मैंने आप एक बार पहले मेरी बात सुने, उसने जो कहा आपने सुन लिया, बोलिए बोलिए अब मैं जो कह रहा हूँ वो आप भी सुनिए। बताइए। सर ये हमारे यहाँ काम कर रहा है, मैंने ओके उसको पूरा हर महीने का पेमेंट देता जा रहा हूँ, जैसा वो हिसाब बनाता है ना कि साहब जी मेरे इस महीने खाने का 2,000 एक्स्ट्रा लगा, ये लगा वो लगा, मैं दिया इसको ओके 28,000 रुपये सैलरी है इसकी, और जी पीएफ भी अभी तक उसने 1 रुपया नहीं कटाया मेरे से अभी तक। हमारे यहाँ तो हर महीने का ये आदमी का पीएफ का कटता है, और ओके उसके बाद में इसकी शादी है, तो मैंने इसको बोला कि सर मैं तेरा अरेंज कर रहा हूँ पैसा, और मैंने कल रात को उसको 11,000 रुपये डाले भी उसके अकाउंट में, ठीक और उसको मैंने बोला कि बचाओ पैसा, मैं तेरे को या तो मंडे को कर दूंगा नहीं तो कल दिन तक मैं अरेंज करता हूँ। ये ओके हमारी बात हुई थी, ठीक ठीक है। है। फिर ऑपरेटर अब को बोले रुकने के लिए मंडे तक। तो वो नहीं रुक रहा, वो तो कह रहा मेरे को तो आज के आज पैसा चाहिए, तो मैंने बोला चल ठीक है, शनिवार है, मैं कहीं से अरेंज करके तेरा कर देता हूँ। और मैंने वहां पे जहाँ ये काम कर रहा है ना एमएनएस में, जी वहां के सर को भी बोला कि सर ये इसको क्या ज्यादा जरूरत है, मेरे पास अभी फंडिंग नहीं हो रही है, आप ऐसा करो इसको 15,000 आप दे दो, मैं आपको मंडे को दे दूंगा। ऐसा तो सब जगह करते हम भी, किसी नहीं ठीक है, किसी को दिक्कत आ रही हो तो। हम उसको बोल देते हैं कि अगर आपको मगर रुकने वो के लिए काम कर रहा है सर, उसने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में सुबह बहुत काफी बहस हुई है मेरे पास, जहाँ पे ये काम कर रहा है जी वहां के 4 जनों का फोन आया, चारों ने उसको समझाया कि सर मैं पैसा नहीं खा रहा हूँ तेरा, पैसा हम देंगे तेरे को, मगर तू ऐसे जिद करेगा बूम नीचे डाउन कर देगा, मशीन तोड़ देगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे क्या ये बताओ नहीं मुझे। नहीं अगर ऐसा गलती कर रहा, मान लीजिए मशीन नहीं तोड़ने नहीं के लिए आप आप जो बोल बताओ रहे हैं, ना, अगर जो मशीन आप आदमी की तो बात सुन रहे हो, मेरा तो सर 1.25 करोड़ की मशीन है, अभी मैं तो बैठा हूँ उससे 700 किलोमीटर दूर। नहीं, जब वो ऑपरेटर का अरेंजमेंट आप बोले थे, ऑपरेटर का अरेंजमेंट भी कर दिया तो उसका हाँ तो फर्ज बनता है ना आप वो पेमेंट देना। तो मैंने नहीं दिया क्या, नहीं तो फिर उसका फिर बकाया आप रख दिए ना, उसका घर में तो मैंने शादी है, तो खुद उसका शादी है। शादी है तो सर, अब मैंने उसको कल रीजन भी बताया कि लेट क्यों दे रहा हूँ, आधा पेमेंट क्यों कर रहा हूँ, मेरे घर में भी दैत हुई सर, तो हम हमारा दैत का काम पहले करेंगे या सबको है ना सैलरी पूरा करता रहूंगा ये बताओ मुझे। तो नहीं, देखिए जो काम किया उसको तो मजदूरी देना पड़ेगा ना। मजदूरी तो सर हमने दिया ना, मेरे पास एक आदमी नहीं है सर, मेरे पास 15 आदमी काम कर रहे हैं नहीं कितना और भी चार आदमी है, स्टेट में देखिए काम ना कर रहे पहले हैं। किसका मजबूरी है, आपको किसकी तो मजबूरी नहीं, आप मेरी पूरी बात सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं बोलिए। आएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको भी। नहीं, मेरे पास 15 आदमी काम कर रहे हैं, जी हर सबको मैं 10 तारीख के आसपास सैलरी देता हूँ, इस महीने मैंने सबको फोन किया, जो 11,000 का ड्राइवर है ना उसको ओके भी 6,000 रुपये दिए मैंने, और उसको बताया कि साहब ऐसे मेरे घर में ऐसी डेथ हुई है, अभी जी बचा हुआ पैसा मैं बाद में दूंगा, वो मान गया। तो ठीक। आपका ऑपरेटर क्या सबसे बड़ा है क्या उनसे? नहीं, सबसे बड़ा नहीं है, मान लीजिए उसका घर में शादी है ना,
तो दे रहा हूँ ना, मैंने मना थोड़ी किया भैया, नहीं, आपको एक जैसे आध घर बीस में दस शादी दस होता है, किलो मान लीजिए आप पैसा रख के घर पर आए, फिर यहाँ पर उसको कर्जा करना पड़ेगा, ब्याज पर पैसा लेना हाँ सही पड़ेगा। बात है, सारी दिक्कत आपकी, हम तो आपको टाइम मांग रहे हैं, आपको आप तो दिन तक भी नहीं नहीं ठीक है, हम रुके, उसको उसको बोल दे रहे हैं मंडे को रुकने के लिए, ठीक है ना। क्यों अब मंडे मंडे को को रुकेंगे, अब तो हम दे रहे हैं उसको पैसे, दिन में हो जाएगा उसका नहीं पैसा, तो ठीक है, आप क्या अगर करवा आ, दे इसमें? आ, उसको दे रहे तो शुक्रिया फिर, थैंक्स। ये कानूनबाजी के मतलब कौन, आप नाम वाम बताओ, हम नहीं भी नंबर सेव करें, कल को क्या आप दूसरा वेबसाइट भी पर ऑपरेटर सुनिए, परेशान करेगा, हम आपको फोन करेंगे अब नहीं, तो। आप ना हमसे ऑपरेटर लीजिए ना, आप हमारे संस्था से ऑपरेटर लीजिए ना। आप संस्था गूगल क्या पर होती है मैं सर, नहीं, आप हमारे गूगल पर सर्च कर लीजिए ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन। एक सेकंड, हम आपको पहले नंबर सेव करते हैं, फिर आराम से बात करते हैं, हाँ कोई नंबर सेव कर प्रॉब्लम। लीजिए, नो प्रॉब्लम। ऑपरेटर एकता, आपका शुभ नाम बताइए पहले। बबलू कुमार नाम है मेरा। बबलू कुमार जी, आपसे हम पहले बात करें शायद, बबलू हाँ नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम। कुमार, मैंने तो जिसने इसको लगवाया ना उसको फोन किया, फिर उसने उसको प्यार से समझाया कि भैया तेरा कोई पैसा नहीं खा रहे हैं, हिसाब से हिसाब पूरा पैसा दिए जा रहे हैं, कोई रीजन के हिसाब से तेरे को आधा मिला हुआ, तेरे से केवल टाइम लिया है, हम तेरे को मना तो कर देखिए ही नहीं देखिए, रहे, हम तो सर उसका भी एक काम एक बात खराब और कर। बताते हैं। हम लोग का जो काम है हम लोग करते हैं, और हम लोग देखिए, आप केवल हम अगर ऑपरेटर गलती करते हैं ना, महाराष्ट्र हाँ में एक ऑपरेटर गलती किया था, डीजल चोरी किया था, तो हम मालिक के खिलाफ गए थे। ये नहीं कि हम ऑपरेटर के तरफ गए थे कि नहीं, हम उनका ऑपरेटर को सपोर्ट किए थे, नहीं, हम वहां पर भी मालिक को सपोर्ट किए कि नहीं। बढ़िया अगर बढ़िया ऑपरेटर है, गलती किया है तो गलती किया है। तो आप खुद देखो सर, वहाँ उसने अभी अभी मेरे यहाँ पे 4 महीने काम किया एक तरह से, नहीं देखिए, 4 महीने अगर उसका में शादी नहीं रहता ना, तो हम भी बोल देते कि आप जो सर, बकाया है आपको आप शादी बाद शादी में। दिख रहा है, आप कितनी बार शादी बोले, आपने मेरा एक डेथ वर्ड नहीं सुना ना, नहीं आपकी आपका कमी सुन है रहे ये हैं, लोगों की यार, नहीं आप अभी आप, तक मैं आपके मुंह से 10 बार शादी सुन चुका हूँ, नहीं, और सुनिए मैं डेथ डेथ मैं भी 10 बार बोलूँ कि कि साहब हम हमारे समझ सकते हैं राजस्थान ना में शादी का डेथ मतलब। होती है, तो डेथ होती है तो पहले उसका काम करना चाहिए या ईएमआई बननी चाहिए, आप ये बताओ, नहीं, आपके ईएमआई भी नहीं जरूरी मेरी है। मेरी मान बात लीजिए सुनो, जो जो मजदूर है काम आपके नहीं करेगा, आपके तो ना आप लाख ईएमआई रुपए की भरिएगा ईएमआई कैसा? आपके महीने की, मेरी बात सुनो, अब जी आपने सब सुन लिया, बबलू जी अब मेरी बात बोलिए सुनो, बोलिए। आपके 1 लाख रुपए की ईएमआई आती है महीने की मान लेते हैं एक बार, ओके ठीक, और आपके घर में डेथ हो गई और आपको 2.5 लाख रुपए का खर्चा आ गया, नहीं तो आप वो ईएमआई जरूर ही पहले भरोगे या क्या करोगे ये बताओ, ईएमआई तो जरूरी नहीं, तो फाइन भरेगा, फाइन भरेगा फाइन पहला भर दूंगा नंबर। ना, मैं तो बैठ रहा हूँ, मैं तो फाइन भर रहा हूँ। नहीं अगर आप फाइन भर रहे हैं तो ठीक है, मतलब हाँ आपको तो यहाँ से ना वहां से, आप तो बड़ा आदमी आप लोग हैं, आप लोगों को तो तो किधर से बड़ा पैसा आ आदमी है तो जाता सर, है। ये थोड़ी ना तरीका है कि आप 10 10 जनों से फोन कराओगे, सर नहीं, 10 जन जी देखिए, काम जो 10 जन से जहाँ कौन काम कर रहा है कौन, उससे आप ऑन देखिए कौन आपके पास आप फोन किया उसको हम मतलब नहीं है, लेकिन वो हमारे संस्था से जुड़ा हुआ है, लगभग 3 साल से हमारे संस्था से जुड़ा हुआ है, और जो अच्छी भी बात है, ऑपरेटर तो हमारे संस्था वो से क्यों जुड़ा कर हुआ रहा है, है या आपको ओनर। परेशान क्यों कर रहा है, तो जी बिल्कुल, जब उसके मालिक ने भी समझा दिया, वहां जहाँ काम कर रहा है वो भी कह रहे हैं कि साहब अभी मेरा तो पैसा साहब वहां पे 10 लाख रुपए खड़ा है, जहाँ पे ये काम कर रहा है ना, ठीक मेरा तो 10 लाख रुपए चढ़ा हुआ, ये आदमी को तो पैसा हमको 28,000 रुपए देने है, तो मैं क्या करूं, मैं भी जाके कंपनी के वहां पे धरना दे के बैठ जाऊं कि साहब नहीं मेरे को तो आज 10 लाख रुपए दो, नहीं क्या आपका बताओ, आप हमारी आप संस्था भी मनाओ ना साहब, वो तो आपका वो तो आपको बनाना पड़ेगा ना, वो आप तो बनाओ ना, आप लोग नहीं वो आप नहीं, जब हम लोग का आप तो ऑपरेटर ऑपरेटर का बनवाए हैं इसी को ना, लेके आए आप लोग हो, बनवाइए अपना संस्था, हम बनाओ थोड़े रुके बनाओ, हैं, हमारे मना भी थोड़े बनाओ किए हैं। सर, बनाइए बनाइए, हमारे हाँ को भी रास्ता दो सर, ऐसे ऐसे हम बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर हम भी फंस रहे हैं कि आपका, हमारे एक ऑपरेटर के लिए मैं किसी पटना वाले से बात कर रहा हूँ, कभी नहीं नहीं किसी देखिए, हम लोग का बॉम्बे वाले ऑफिस से बात कर रहा हूँ, अभी नहीं एक पुणे से भी फोन आया, नहीं वो अब सबको बोलता वो है जिंदा हमको चले तो पता खा नहीं क्या है, पैसे, आप हमारे बारे में पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं, ये भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, अच्छी बात है ना सर, हम रजिस्टर्ड, ऐसे ही हम मैं आपको आपको मना नहीं बोल कर नहीं रहा रहे हूँ, मैं हैं। आपको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं आपके ऑपरेटर की बात बता रहा हूँ, जब उसको सबने समझाया उसने काम भी शुरू कर दिया, आधा दिन निकल गया उसका काम नहीं करते ठीक हुए, तब ठीक हम हो फिर गया, वो हम फोन समझा देते आपको हैं क्यों उनको, कर रहा है, नहीं हम अभी समझा देते हैं। उसको पैसा नहीं मिले ना तो वो फोन करे तो मैं बात, मैं इस बात पे आया कि साहब मैंने उसका पैसा भी नहीं दिया, नहीं ठीक हमने तो है, देने को तैयार हो गया उसके बाद में वो काम कर रहा है भैया, फिर वो फोन क्यों कर रहा है सब जगह, नहीं, देखिए हम हमारे पास फोन किया है तभी हम आपके, हमारे पास कंप्लेन दर्ज किया है ना तभी हम फोन कंप्लेन दर्ज करते किया हैं। तो अब आप उसको एंटी कंप्लेन उसके ऊपर फोन करो कि भैया जब तेरे को 4 जनों ने हम समझा समझाया देते हैं ना पैसा उसको, दे रहे हैं, फिर तू फोन सब करके क्यों फोन कर जो रहा है, हमारा जो हमारा टीम है वो समझा देगी उनको, ठीक है समझाइए समझाइए सर, ठीक। ठीक सर, ओके सर जी, थैंक, आप लोग पूरा आइडियो को सुन लिए, और सुन लीजिए भैया, आप लोग ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन से जरूर जुड़िए।
कि जो ये संस्था है ऑपरेटेक्टर सहायता फाउंडेशन, एक भारत सरकार से रजिस्टर्ड है और ये ऑपरेटर के हित के लिए काम करती है। लेकिन इससे जुड़ने के लिए आपको एक आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा और आईडी कार्ड के लिए हर एक साल आपको 500 रुपया इस संस्था में डोनेशन जमा करना पड़ेगा, ताकि ये संस्था आगे बढ़ सके और पूरा भारत लेवल पे हर ऑपरेटर का समस्या का समाधान किया जा सके। और कभी भी किसी मालिक के पास काम करिए भैया, मशीन छोड़ के घर पर मत जाइए, मगर मशीन पर ही हैं जब आप एक बार जरूर कॉल कर लीजिएगा संस्था को, अगर आपके पास ऑपरेटेक्टर सहायता फंक्शन का आईडी कार्ड है तो। जय हिंद, जय भारत, ऑपरेटेक्टर जिंदाबाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगर फॉलो नहीं किए तो ऑपरेटेक्टर सहायता फंक्शन फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा।